नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनाधार कार्ड के संबंध में। अगर आप नया जनाधार कार्ड बनाना चाहते हैं अपना, अपने फैमिली का, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके जनाधार कार्ड को बनाने में कोई समस्या आ रही है, आपके जनाधार कार्ड में आधार नंबर को डुप्लीकेट बताया जा रहा है या फिर आपके मोबाइल नंबर को ऑलरेडी एग्जिस्ट बताया जा रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इन सब के संबंध में इस वीडियो में मैं आपको फुल जानकारी देने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरी देखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नए जनाधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम में आपको टाइप करना है janapp.rajasthan.gov.in/janadhar/citizen-dashboard। अगर आपको ये टाइप करने में समस्या आती है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सीधा इस इंटरफेस पर आ सकते हैं। इस पर आने के बाद में आपको सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में अब आपको नए जनाधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ इसमें नोट दिखाई देगा। इसमें लिखा हुआ है, यदि आपके परिवार में 18 वर्ष से बड़ी महिलाएं हैं तो इस पेज पर उनमें से उस महिला की सूचना भरें जिसे आप परिवार की मुखिया बनाना चाहते हैं। इसे तात्पर्य है कि आपकी फैमिली में कोई एक भी महिला है तो आप उसे मुखिया बनाएं। अगर आपके परिवार में, आपकी फैमिली में एक से अधिक महिलाएं हैं तो आप जिसे मुखिया बनाना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको इसमें सबमिट करनी है। अगर आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं और आप जेंट्स हैं तो आप अपनी डिटेल इसमें सबमिट करें। अब इसमें आपको अपनी डिटेल भरने के लिए मुखिया का नाम अंग्रेजी में फिल करना है, उसके बाद में आपको अपनी आधार संख्या फिल करनी है, अपने मोबाइल नंबर फिल करने हैं, लिंग में आपको मेल या फीमेल आपका चयन कर लेना है, उसके बाद में जन्म तिथि आपको इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसमें अपनी सेट कर देनी है। ये सब करने के बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपके जो रजिस्ट्रेशन में जो आपकी समस्याएं आ रही हैं उनसे रिलेटेड हम चर्चा करने वाले हैं। जब आप अपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए नाम को सबमिट करेंगे, नाम के बाद में अपने आधार नंबर को सबमिट करेंगे, उसके बाद में जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर को इसमें आप सबमिट करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बताया जाएगा। जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर को इसमें फिल करेंगे उसके बाद में आपको कुछ इसमें दिखाई देगा और उसमें लिखा होगा आपका जो मोबाइल नंबर है वो ऑलरेडी किसी भी जनाधार में मौजूद है। इसमें देखिए आप लिखा हुआ है मोबाइल संख्या पहले से मौजूद है। अगर आपको अंग्रेजी में दिखाई देगा तो मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट का यहाँ आपको सिंबल दिखाई देगा। इससे तात्पर्य है दोस्तों कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो पहले से किसी जन आधार कार्ड में या फिर जो पूर्व में 5 से 6 वर्ष पहले भामाशाह कार्ड जब बने हुए थे उनमें से किसी एक में आपका मोबाइल नंबर पहले से मौजूद है और इस कारण से आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर सबमिट नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप अपने फैमिली का अगर जनाधार कार्ड पहले से बना हुआ है तो आप उसमें चेक करें, या फिर अगर किसी अन्य के जनाधार कार्ड में या पहले से भामाशाह कार्ड में आपका किसी के मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आप इसका पता करें। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि किसके जनाधार कार्ड में जुड़ा हुआ है तो उसकी अलग से वीडियो मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन की सहायता लेकर उसमें देख सकते हैं। अब दोस्तों, आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर चेंज कर देते हैं। पहले से जो आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ था उसको आप हटा के कोई नया मोबाइल नंबर इसमें सबमिट कर देते हैं। मोबाइल नंबर सबमिट करने के बाद में जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने लिंक का चयन करने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में एक परेशानी और आपको इसमें आती है। जब आप अपनी सभी डिटेल को फिल करने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब अगर आपका आधार नंबर पहले से किसी जन आधार या भामाशाह कार्ड में मौजूद है तो आपको लिखा दिखाई देगा आधार संख्या पहले से मौजूद है। अगर आपके पंजीयन करते समय, आपके रजिस्ट्रेशन करते समय ऐसी समस्या आपको आती है तो आप अपना नया रजिस्ट्रेशन नहीं करें। आप पहले पता करें कि आपकी जो मुखिया है जिसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, उनका आप पता करें कि किस जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड में उनका नाम है और आप वहां से उनके नाम को ट्रांसफ़र करें या फिर फैमिली स्प्लिट करें, उसके बाद में आप अपने जन आधार कार्ड की प्रक्रिया को संपादित करें। जब आप ओके करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा परिवार की मुखिया वयस्क महिला होनी चाहिए। क्या आप सत्यापित करते हैं कि आपके परिवार में कोई भी वयस्क महिला नहीं है? इससे तात्पर्य है कि अगर आप किसी मेल को मुखिया के रूप में सबमिट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस तरीके का मैसेज आपको दिखाई देगा। अगर आप कन्फर्म है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन सही कर रहे हैं, आपके परिवार में कोई 18 वर्ष से अधिक महिला नहीं है तो आप इसमें ओके बटन पर क्लिक करें। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद में अब आपको दिखाई देगा क्या आप सेव करना चाहते हैं, आप वापस से ओके करें। जैसे ही आप ओके करेंगे अब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करें,
कॉपी करने के बाद में इसके नीचे आपको लिखा हुआ है जन आधार नामांकन करने का लिंक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपसे रजिस्ट्रेशन संख्या पूछी जाएगी, जो आपको प्राप्त हुई है वो आपको यहाँ सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद में खोजे बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप खोजे बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको जन आधार परिवार का नामांकन विवरण का फॉर्म दिखाई देगा। इसमें आपके द्वारा जो रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त की गई है वो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगी। उसके बाद होगा मुखिया का विवरण, इसमें आपको मुखिया की फोटो अपलोड करनी है। उसकी साइज आपको 50 KB से कम में रखनी है। अब आप किस प्रकार से अपने फोटो की साइज को कम करेंगे मोबाइल के माध्यम से, उसकी वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसकी सहायता से किसी भी फोटो को किसी भी साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो आपको आधार संख्या और आधार रसीद संख्या दोनों में आपको अनएडिटेबल के आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनमें आपकी आधार नंबर जो आपने सबमिट किया है वो आपको फिल नहीं दिखाई देगा। इससे तात्पर्य है कि आपका जो आधार नंबर है वो डुप्लीकेट आपका है। आपका आधार नंबर पहले से किसी जन आधार या भामाशाह कार्ड में दर्ज होने से आपके इस रजिस्ट्रेशन में दिखाई नहीं देगा। इस स्थिति में आपका जो जन आधार है वो आपका नहीं बन पाएगा। आप इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करें। अगर आपको ऐसी परेशानी आती है तो सबसे पहले आप, अगर आपकी महिला मुखिया है और आपकी शादी अभी कुछ वर्षों पहले हुई है, तो उनके पीहर में पता करें। अगर उनके पीहर में उनके जन आधार या भामाशाह में नाम है तो आप वहां से उस नाम को अपने परिवार का अगर जन आधार कार्ड बना हुआ है तो उसमें ट्रांसफर करें। अदरवाइज आप अपने नाम को वहां से स्प्लिट करें जो भी आपके फैमिली मेंबर है। उसके बाद में स्प्लिट करने के बाद में जो आपका नया जन आधार नंबर आपको इश्यू होगा उसमें आप अन्य सदस्यों को ऐड मेंबर के माध्यम से कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। किस प्रकार से आप फैमिली स्प्लिट करें, फैमिली ट्रांसफर करें, किसी ऐड मेंबर को आप ऐड करें, या फिर आपके किसी भी जन आधार कार्ड में आपको एडिटिंग करनी है घर बैठे बिना ई मित्र पर गए हुए, तो इन सभी से रिलेटेड आपको प्रत्येक टॉपिक से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उसकी सहायता लेकर जन आधार कार्ड से संबंधित प्रत्येक कार्य को अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप पीसी के माध्यम से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जन आधार कार्ड में प्रत्येक सदस्य के लिए लगाना है, आपकी जो मुखिया है मेल या फीमेल उसकी बैंक की डिटेल आपको इसमें कंपलसरी फिल करनी है और बैंक पासबुक आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके अलावा प्रत्येक सदस्य का आपको फोटो अपलोड करना है, प्रत्येक सदस्य का आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। अगर आप आधार नंबर फिल करते हैं मुखिया का आधार कार्ड और आधार नंबर फिल करना आपको कंपलसरी है। अन्य सदस्यों में अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, उनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप विदाउट आधार कार्ड के भी पंजीयन कर सकते हैं। और आपको बर्थ सर्टिफिकेट का अगर ऑप्शन मांगा जाता है, आपके छोटे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो आप उसे आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों जगह पर अपलोड कर सकते हैं। अगर बड़े सदस्यों का किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप दोनों स्थान पर उसके आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। अगर आप इस संबंध में विस्तृत वीडियो चाहते हैं तो जन आधार कार्ड कैसे बनाना है मोबाइल के माध्यम से, उसकी वीडियो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको आई बटन में मिल जाएगी। किस प्रकार से आप अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप पीसी के माध्यम से बिना ई मित्र पर गए अपने जन आधार कार्ड का पंजीयन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। और हाँ, बेल आइकन में आप ऑल बटन को प्रेस करें जिससे कि जब भी कोई वीडियो मैं नई अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।